Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. जैसे कि हम लोग डेली शूट करते हैं तो कोई फिक्स टाइम पे तो नहीं कर पाते, तो जब भी टाइम मिलता है मॉर्निंग में, नहीं तो आफ्टर पैकअप मैं वर्कआउट के लिए जाता हूँ, भले हाफ एन आवर के लिए जाऊँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अवॉइड ना करूँ और एटलीस्ट वीक में 5 डेज वर्कआउट करूँ अपना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट, वो आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहते हैं कि 70% ऑफ डाइट एंड 30% ऑफ जिम, पर वो काफ़ी हद तक सही है। बेसिकली ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ऐसे एग खा सकते हैं, सबसे जो इजी है ब्राउन ब्रेड और एग के साथ 1 ग्लास ऑफ जूस ले सकते हो आप, उसके बाद नारियल पानी पी सकते हो। लंच में आप मैं बेसिकली मल्टीग्रेन जो आटा होता है उसकी चपाती खाता हूँ, और वो 2 चपाती और जो भी वेजिटेबल है, नहीं तो अगर नॉनवेज खाने का मेरा दिन है, जैसे कि मैं वीक में 3-4 दिन ही खाता हूँ, तो फिर उस दिन चिकन और एक कोई भी वेजिटेबल या दाल साथ में लेता हूँ, और शाम को कोई भी फ्रूट। बीच में आप हर 2-2.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, जैसे कि तो कभी मेरे को भूख लगने लगती है, उसके बाद तो मैं ओट्स खा लेता हूँ। नाइट में जो डिनर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उस टाइम रोटी नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें कार्ब्स होते हैं, तो कोई भी चिकन अगर दिन है तो वही मैं बॉयल्ड चिकन लेता हूँ, और टेस्ट के लिए उसका सैलड बना लो वेजिटेबल साथ में डाल के, नहीं तो फिर पनीर खा लेता हूँ मैं, उसके साथ प्रोटीन शेक भी दिन में 1-2 बार होता है। अगर आप फिट रहेंगे तो आप खुद अच्छा फील करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और फिट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जिम करो, आप स्पोर्ट्स खेलो, जो कि मैं जब भी टाइम होता है तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ।